फ्रेंड्स, मैं रजनी गुप्ता राजस्थान कोटा में रहती हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी चैंटिंग की एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैं 2016 में गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी। चैंटिंग तो मैं पहले भी करती थी, बट चैंटिंग के मायने मुझे मालूम नहीं थे। बट इस ग्रुप के साथ जुड़ने पे मुझे चैंटिंग की सही इम्पोर्टेंस मालूम पड़ी। पहले मैं सोचती थी कि चैंटिंग करने के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा अलग से, बट आजकल की लाइफ में समय किसी के पास नहीं है। समय निकालना सबसे मुश्किल काम है। बट गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि इसके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा। आप चैंटिंग कहीं भी, किसी भी टाइम, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं प्रोफेशनल से टीचिंग लाइन में हूँ, मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। हमारे घर में अर्ली मॉर्निंग ही चैंटिंग बॉक्स महामंत्रा का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप शुरू हो जाता है। मैं अपने रूटीन वर्क में साथ साथ में चैंटिंग भी करती जाती हूँ। मेरे घर से स्कूल का जो रास्ता है जाते वक्त, उसमें भी मैं 2-3 माला आराम से कर लेती हूँ। स्कूल में भी जब भी फ्री टाइम होता है, अनस्ट्रक्चर वे में मैं महामंत्र का जाप करती रहती हूँ। इसके लिए मुझे अलग से कोई समय नहीं निकालना पड़ रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, और रूटीन वर्क भी हो रहा है, साथ में मेरी चैंटिंग भी चलती रहती है। फ्रेंड्स, चैंटिंग करने से मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए। चैंटिंग से पहले मैं गुस्सा बहुत ज्यादा करती थी, मुझमें नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा थी, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव में सोचती थी। और अगर कोई मुझे कोई बात कह देता था तो मुझे बहुत जल्दी हर्ट हो जाती थी। बट चैंटिंग के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि मैं इन सब चीजों से दूर हो गई। मुझे कभी भी किसी की बात का भी कोई इफेक्ट अब नहीं होता है। और चैंटिंग करने से पॉजिटिविटी बहुत आती है, हम में तो आती ही आती है, बट हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में भी बहुत पॉजिटिविटी आती है। चैंटिंग करने पे अलग सी शांति और आनंद महसूस होता है। फ्रेंड्स, जैसे लाइफ में जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, वैसे ही लाइफ में स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस के लिए चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि चैंटिंग करने से एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है, और जब भी हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम बहुत इजीली उसको फेस कर पाते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी भगवान में आस्था रखते हैं उनका नाप जाप जरूर करिए, ताकि आपकी भी लाइफ में हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिजी टू द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।